दहेज लोभी सास ससुर बोले 5 लाख लेकर आओ नहीं तो बेटे की करा देंगे दूसरी शादी। बहू को धक्के मारकर घर से निकाला। शिवपुरी जिले की भौंती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपारा गांव की निवासी एक विवाहिता ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला ने पति सास ससुर और देवर के खिलाफ SP ऑफिस में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने SP ऑफिस में पुलिस को बताया है कि ससुराल वालों ने मायके से दहेज में 5 लाख रुपए लाने की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की और उसे घर से भगा दिया। पीड़िता ने पुलिस से ससुराल वालों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। देखिए क्या कहा पीड़िता ने। अभी आप SP ऑफिस आए हो, क्या हुआ आपके साथ? SP ऑफिस आए, एप्लीकेशन ले ली उन लोगों ने। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ससुराल वाले मारपीट करते हैं और दहेज मांगते हैं। कितना क्या दहेज मांगते हैं? 5 लाख और मांगते हैं, 7 लाख दे चुके हैं। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को डेढ़ साल से ज़्यादा होने जा रहा है। परेशान कब से कर रहे हैं? 3 महीने बाद शादी से। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो उन्होंने मारपीट करके भगा दिया, तो अपने माता पिता के पास हूँ। बच्चे हैं आप क्या? नहीं अभी नहीं। क्या बोला SP सर ने? SP सर ने बोला मेला थाने चले। किस किस ने आपके साथ मारपीट की है? देवर ने की है, ससुर ने की है और पति ने की है। अब आप क्या चाहती हो? आप देवर के भगाना चाहते हैं, हम तो अपने घर से भगाना चाहते हैं। बोले 5 लाख रुपए लेके आओ तो रखेंगे नहीं, यहाँ से निकल जाओ। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी जो भी है उसको जवाब दिया।